हेलो किड्स, वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर क्लासेस। नाउ किड्स, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, दैट इज वी हैव फिनिश्ड अवर दिस चैप्टर, है ना। वी हैव रेड डिफरेंट 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 थिंग, क्रिएटिंग फाइल्स एंड फोल्डर। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड फाइल्स एंड फोल्डर इन विंडोज 7। नाउ टुडे वी हैव टू स्टडी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी The next chapter that we are going to study is how to type, learn to type or how to type. Okay, so next chapter that we are going to study is learning to type. Now this chapter is a practical chapter. This chapter there is nothing to teach. This chapter here we will discuss how we can increase our typing speed. In this chapter, we are going to discuss how we can increase our typing speed. Okay? Now, first of all, let us see what are the different topics that we have to cover under this chapter. So, the different topics are typing, home key, and practice. Typing, home key and practice. Bas, that's it. Let us say what this computer wants to tell us. Hello friends, to give command to the computer and to create a document, you mostly use keyboard. You mostly use keyboard, hai na? Now, in this chapter, you will learn how to type properly on the keyboard. Now in this chapter we are going to learn how we can type properly on the keyboard. Okay, so typing. So first of all, what is typing? Typing is the process of inputting text with the device such as typewriter, computer, keyboard or a mobile keypad. तो typing क्या है? Typing एक process है जिसमें हम text को input करते हैं अलग अलग devices की help से. जैसे sometime वो device एक typewriter हो सकता है, that device can be a mobile, is a mobile touchpad और मोबाइल कीपैड और कंप्यूटर कीपैड कीबोर्ड एक्सेट्रा. तो टाइपिंग हम अलग अलग डिवाइसेस की हेल्प से करते हैं. नाउ टाइपिंग बाय विजुअली सर्चिंग फॉर इंडिविजुअल लेटर एंड हिटिंग द की विथ वन और टू फिंगर इज एक्सट्रीमली बोरिंग. Now, typing by visually searching for individual letter and hitting the keys with one or two finger is extremely boring and time consuming. A user who uses all his 10 finger can work faster and more efficiently. A user who uses all his 10 finger can work faster and more efficiently. Typing with the 10 finger is skill like riding a bicycle. Now typing, देखो, so what is written here? Typing by visually searching for the individual letter. Okay, typing by visually searching for the individual letter and hitting the keys with one or two finger is extremely boring. हम ऐसे ही तो टाइप करते हैं, हम एक एक लेटर ढूंढ के धीरे धीरे ऐसे स्लो स्लो टाइप करते हैं. तो वो कैसा वर्क है? वो दैट इज एक्सट्रीमली बोरिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग. इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है. अ यूजर हु यूजेस ऑल हिज 10 फिंगर कैन वर्क फास्ट एंड मोर एफिशिएंटली व्हेन वी टाइप विद ऑल अवर 10 फिंगर. हमारे पास तो 10 फिंगर है ना, तो अगर हम 10 फिंगर की मदद से टाइप करें तो क्या होगा? हमारा काम क्या होगा? और ज्यादा आसान हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा.
विथ ऑल 10 फिंगर इज अ स्किल लाइक राइडिंग अ बाईसाइकिल। वेरी गुड एग्जाम्पल इज गिवन हियर। टाइपिंग विथ ऑल 10 फिंगर, अगर हम अपने 10 फिंगर्स के साथ टाइप करें तो वो क्या हैगा? इट इज लाइक राइडिंग अ बाईसाइकिल। द मोर यू डू द फास्टर एंड बेटर यू गेट। जितना ज़्यादा आप करोगे उतने ज़्यादा आप बेटर होते जाओगे। वन और टू फिंगर टाइपिंग इज लाइक राइडिंग विथ योर फीट। और वन और टू फिंगर मतलब हम अपने पैर से चल रहे हैं धीरे धीरे, है ना। देयर इज नो लर्न स्किल एंड इट लीव्स यू फ्रस्ट्रेटेड वेन द अदर राइट्स अवे। देयर इज नो लर्न स्किल, इसमें कोई भी स्किल नहीं है। देयर इज नो लर्न स्किल एंड इट विल लीव यू फ्रस्ट्रेटेड। और इससे क्या होगा, हमें फ्रस्ट्रेशन होगी जब अगला बंदा हमसे आगे निकल जाएगा। तो हमने देखा कि अगर हम 10 फिंगर से टाइप करते हैं तो वो कैसा है, वो एक साइकिल चलाने जैसा है, साइकिल और बाइक चलाने जैसा है। लेकिन जब हम 2 फिंगर से टाइप करते हैं तो इट सीम्स लाइक 2 फिंगर से टाइप करना इज एक्सट्रीमली बोरिंग एंड स्लो एंड फ्रस्ट्रेटिंग। नाउ दिस चैप्टर इंक्लूड्स द बेसिक ऑफ टाइपिंग विच आर वेरी एसेंशियल इन टूडेज वर्ल्ड। Some of the useful tips are as follows. So there are some tips given how we can increase our typing speed or how we should type. First is avoid looking at the keyboard while typing. First thing, avoid looking at the keyboard while typing. Keyboard पे मत देखो जब आप type कर रहे हो, आप type करो, ठीक है। Don't look at the keyboard while typing, ठीक है। आप कीबोर्ड पे मत देखिए जब आप टाइप कर रहे हो। ओके, प्लेस योर फोर आर्म स्लाइटली अबव द कीबोर्ड। अपना फोर आर्म आप कीबोर्ड के स्लाइटली अबव रखो। प्रेस द की सॉफ्टली, प्रेस द की सॉफ्टली, प्लेस योर फिंगर ऑन द कीबोर्ड, प्लेस योर फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। तो सी यहाँ पे 2 पिक्चर्स आर गिवन हियर। दिस लेडी इज टाइपिंग विथ वन हैंड ओनली एंड शी इज लाइक फ्रस्ट्रेटिंग, फ्रस्ट्रेटेड एंड अपसेट। एंड वेर एज दिस लेडी इज टाइपिंग विथ हर बोथ द हैंड एंड शी इज वेरी हैप्पी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइपिंग विथ वन हैंड एंड द अदर। ओके, नाउ होम की, होम की। सो फर्स्ट पॉइंट इन दिस चैप्टर टाइपिंग वी विल लर्न अबाउट होम कीज। नाउ व्हाट आर द होम की? इट इज इम्पॉर्टेंट टू पोजिशन योर हैंड ऑन द कीबोर्ड करेक्टली। नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू पोजिशन योर हैंड करेक्टली ऑन द कीबोर्ड। योर फिंगर मस्ट बी इन द मिडल रो ऑफ योर कीबोर्ड विच आर नोन एज होम की। आपकी कीबोर्ड का जो मिडल रो होता है, लेट मी ओपन अ वर्चुअल कीबोर्ड फॉर यू। एक कीबोर्ड मैम को ओपन करने दो। ओके, तो दिस इज अ वर्चुअल कीबोर्ड। लेट मी सी व्हाट आई हैव टू टीच यू इन इट। वेट, नाउ सो वी आर टॉकिंग अबाउट होम कीज। होम कीज क्या होती है? होम की इज द मिडल रो ऑफ योर कीबोर्ड। मिडल रो, आपकी जो कीबोर्ड की मिडल रो होती है वो होती है आपकी होम की। नाउ स्टार्ट विथ योर लेफ्ट हैंड, प्लेस योर लिटिल फिंगर ऑन की ए। अब देखो यहाँ पे हमें अपने फिंगर कहाँ रखनी है। लेट अस सी, आई एम, लेट मी ओपन इट। देखो होम की इज दिस पार्ट, होम की इज दिस पार्ट, ये वाली जो पार्ट है दिस इज अवर होम की। नाउ वेयर वी हैव टू कीप अवर लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर हमें कहाँ रखनी है? होम मिडिल, मिडिल रो के ए पे, मतलब इधर। हियर वी हैव टू कीप,
ओके तो हमने अपनी लिटिल फिंगर कहाँ रखी है? वी हैव टू कीप अवर लेफ्ट हैंड लिटिल फिंगर ऑन की ए, रिंग फिंगर ऑन एस, मिडिल फिंगर ऑन डी एंड इंडेक्स फिंगर ऑन एफ एंड योर थंब मस्ट रेस्ट ऑन द स्पेस बार। वेरी गुड, बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। लाइक दिस एंड अवर थंब मस्ट रेस्ट ऑन स्पेस बार, सो दैट जहाँ भी हमें स्पेस की जरूरत पड़े तो हम वहाँ पे स्पेस बार प्रेस कर सकें। ओके नाउ विथ योर राइट हैंड, विथ योर राइट हैंड प्लेस योर इंडेक्स फिंगर ऑन जे। देखो यहाँ पे जे पे योर इंडेक्स फिंगर शुड बी ऑन जे, योर रिंग फिंगर शुड बी ऑन के, सॉरी योर मिडल फिंगर शुड बी ऑन के, रिंग फिंगर ऑन एल एंड योर लिटिल फिंगर ऑन द नेक्स्ट की। सो द नेक्स्ट की यू कैन सी इज क्वामा एंड सेमी कोलन, सी क्वामा एंड सेमी कोलन एंड कोलन। ओके सो लाइक दिस वी विल प्रेस। नाउ प्रेस द एंटर की विद द लिटिल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड। राइट हैंड के लिटिल फिंगर की मदद से आप क्या करोगे, एंटर पे प्रेस करोगे। देखो यहाँ पे हमारी लिटिल फिंगर रहेगी, यहाँ पे एंटर की है तो हम इजिली प्रेस कर सकते हैं। ऑलवेज प्लेस योर फिंगर्स बैक ऑन द होम कीज आफ्टर प्रेसिंग एनी की। कोई भी की प्रेस करने के बाद अपना हाथ आप वापस कहाँ ले जाओगे, वापस से होम कीज पे। हम होम कीज किसको बोलते हैं, होम कीज हम इस सेंट्रल की को बोलते हैं। इन सारी की जो कि कीबोर्ड के एकदम बीच में आती हैं, वी कॉल देम होम की। इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट होम की। ठीक है, ASDFJKL इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट होम की। ओके सो प्रैक्टिस इट। ओके लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी। लेट मी मिनिमाइज दिस बोर्ड। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी इज, ओके हियर दे हैव शोड यू लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। सो दिस इज लिटिल फिंगर, दिस इज रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब। सिमिलरली थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। तो होम कीज तक तो हमें समझ में आ गया, होम कीज तक का तो हमें समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज पार्ट वन। अब ये हमें सिखाएंगे हाउ वी कैन क्लिक ऑन, हाउ वी कैन टाइप फास्ट। सो क्लिक ऑन द कैप्स की। क्लिक ऑन द कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की पे आप प्रेस करो टू मेक इट ऑन, सो दैट यू कैन राइट इन कैपिटल लेटर्स, सो दैट यू कैन राइट इन कैपिटल लेटर्स। यू कैन प्रेस स्पेस बार विथ योर थंब। हमें बताया गया था कि स्पेस बार हम किससे देंगे, वी विल गिव स्पेस बार विथ अवर थंब टू मेक अ गैप बिटवीन द बिटवीन बिटवीन टू वर्ड। टू वर्ड्स पे गैप बनाने के लिए वॉट यू विल डू, टू वर्ड्स के बीच में गैप बनाने के लिए वी विल प्रेस द स्पेस बार, वी विल प्रेस द स्पेस बार। ओके प्रेस द एंटर की एट द एंड ऑफ एवरी लाइन। So, as you all know that enter key is used to change the line. Enter key is used to change the line. So, we will press the enter key at the end of every line with the little finger of our right hand. With the little finger of our right hand, we will press the enter key. Position your finger back on the home key after pressing any key. Okay. Position your finger back on the home key after pressing any key. After pressing any key, you will, what you will do? You will
आप अपनी फिंगर वापस से कहाँ रख लेंगे, आप अपनी फिंगर वापस से आप रखेंगे होम कीज पे। ओके चलो लेट अस मूव अहेड। सो द नेक्स्ट इज पार्ट टू। इन पार्ट टू दे आर टेलिंग अस दैट इन दिस पार्ट वी ऐड टू न्यू कीज जी एन एस। देखो सेंट्रल की अभी तक हमने क्या किया, सेंट्रल की जी एन एस को हम क्या कहते हैं, अवॉइड करते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी प्रेस नहीं कर रहे थे, है ना। कहाँ गया पार्ट टू, चलो नीचे करके देखते हैं। इन दिस पार्ट वी एड टू न्यू कीज जी एन एच। प्रेस जी विद द इंडेक्स फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड एंड एच विथ योर इंडेक्स फिंगर ऑफ द राइट हैंड वंस द की आर प्रेस। रिमेंबर टू पुट योर फिंगर बैक ऑन द होम की। देखो जब हम अपने हैंड को पोजिशन कर रहे हैं तो हमारा हैंड तो यहीं तक आ रहा है ना, फोर फिंगर हमारी यहाँ तक आ जा रही है, तो फिर हमें क्या करना है, जी और एच अपनी इन अपनी इंडेक्स फिंगर से, दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर से हमें टच करना है। ओके नेक्स्ट इज पार्ट थ्री। इन दिस पार्ट वी ऐड टू न्यू कीज। फिर अब हम क्या ऐड कर रहे हैं, दो और न्यू कीज ऐड कर रहे हैं, दैट इज ई एंड आई। वी आर एडिंग ई एंड आई टू टाइप देम करेक्टली, ई एंड आई टू टाइप देम करेक्टली। यू शुड स्लाइड योर मिडल फिंगर टू अपर रो टाइप ई with your middle finger of your left hand from D and type I with the middle finger of your right hand moving from K. Once the keys are pressed, your finger must go back on the home keys. So once the keys are pressed, your finger must go on back on the home keys, है ना। तो क्या करना है, हम इस बार what we are clicking here, we are clicking on E and I. Now this time we are clicking on E and I. Let me open the virtual board. So this time they are clicking on E and I. Okay. And similarly, D and I. Now part 3 is also completed. Now let us move ahead. Next is we are having part 4. In this part we add two new key R and U. In this part we will click two more key R and U. To type them correctly, slide your index finger to the upper row from F and J. Now kids, this chapter you have to practice yourself to get excellent. इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैम आपको वर्ड बाय वर्ड समझाए। स्टिल आई एम रीडिंग द चैप्टर फॉर यू। दिस चैप्टर द मोर यू विल प्रैक्टिस दिस चैप्टर द मोर बेटर यू विल गेट इट विद। ओके नाउ चलो लेट अस मूव अहेड, लेट अस अपडेट अवर नॉलेज। नाउ लिविंग ऑन द डिजिटल एज वेयर टाइपिंग इज ऑलमोस्ट एन एवरीडे नेसेसिटी, लर्निंग द वे ऑफ प्रॉपर कीबोर्ड यूजेज इज क्रूशियल। लर्निंग द नेसेसिटी ऑफ टाइप, मतलब लर्निंग द वेज ऑफ प्रॉपर कीबोर्ड यूसेज इज क्रूशियल ईयर। मतलब अभी क्या है, सारी चीज़ें इज डिजिटल, सब कुछ डिजिटल है, तो वहाँ पे हमें प्रॉपर कीबोर्ड यूज करना हमें आना चाहिए, एंड दैट इज अ मस्ट।
ओके सो नाउ द नेक्स्ट अपडेट योर नॉलेज द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइपिंग टेक डॉट कॉम ऑफर अ फ्री ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट एंड एक्साइटिंग टाइपिंग गेम्स एंड कीबोर्ड लेसन्स टेक अ फ्री टाइपिंग स्पीड टेस्ट नाउ सो लेट अस डू इट वी विल टाइप समथिंग ऑन टाइपिंग टेस्ट चलो मैं दिखाती हूँ हाउ वी कैन यूज टाइपिंग टेस्ट सो हियर आई विल टाइप इन माई सर्च इंजन टाइपिंग टेस्ट I'll click enter. See, here something appears, है ना? Let us type it. चलो, let us type. Okay, so I have to use small letter. A lion was sleeping in his Liar, comma. Why? Because why red here? Because I haven't given. Okay. When a mouse, not looking. Where he was going, Okay, so this is how this typing test appears. Now, typingtest.com is a complete different thing. So here is a typingtest.com. Okay, so let us. स्टार्ट टाइपिंग ओके सो वी विल चलो लेट अस टाइप ज़ेब्रा Then I enter. Now next, there are three species of zebra. Okay, so this is how we type something. Okay, now. So you can also practice typingtest.com. You will get keyboard lesson and lots of more fun thing. Now let us move with our chapter. Now we are here on part 5. In this part we will add two new key, that is T and Y. Okay, T and Y. Now to type them correctly, slide your index finger to the upper row from F and J respectively. Where is our virtual keyboard? Let us call our virtual keyboard again. Keyboard on screen keyboard. Chalo. So this is our keyboard. Now let us start working on it. So what they are saying, chalo capital letter on kar lete hain. So what they are saying, ki now they are adding T, this T and Y. They are adding T and Y. To type them correctly, slide your index finger, jo hamari index finger idhar rest kar rahi hai, usko T pe aur fir Y pe to the upper row from F. एंड जे जे पे जो हमारी फिंगर है वो वाई पे जाएगी एंड एफ पे जो हमारी फिंगर है वो टी पे जाएगी है ना इस तरह से वी आर गोइंग टू डू दैट नाउ नेक्स्ट थिंग इज इन पार्ट 6 इन दिस पार्ट वी एड टू न्यू कीज डब्ल्यू एंड ओ To type them correctly, slide your ring finger to the upper row of S and L respectively.
अब हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, WNOC, जो फिंगर हमारी एस पे है दैट विल गो ऑन W, एंड जो फिंगर हमारी एल पे है दैट विल गो ऑन ओ। ओके, सो दिस इज द बेसिक हाउ वी कैन स्लाइड फिंगर फ्रॉम एस टू W एंड एल टू ओ, है ना। चलो नाउ नेक्स्ट इज पार्ट 7। इन दिस पार्ट वी ऐड टू न्यू कीज क्यू एंड पी। तो अब देखो इस तरह करते करते इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऊपर वाली मतलब होम की के ऊपर वाली रो के पूरे सारे साइड्स को इन्होंने इंक्लूड कर लिया। सो नाउ नेक्स्ट इज क्यू एंड पी। टू टाइप देम करेक्टली स्लाइड योर लिटिल फिंगर ऑफ बोथ द हैंड टू द अपर रो। अब हमें क्या टाइप करना है, क्यू एंड पी। अब हमें क्या टाइप करना है, वी हैव टू टाइप क्यू एंड पी। नाउ नेक्स्ट इज पार्ट 8। रीड पार्ट 8। व्हाट इज रिटन देयर इन पार्ट 8। आफ्टर लर्निंग टू टाइप द मिडल एंड द अपर रो, नाउ इट्स टाइम फॉर द कीज ऑफ द थर्ड रो। ओके, सो नाउ वी हैव टाइप द की ऑफ मिडिल रो, दिस रो एंड अपर रो। मिडिल रो एंड अपर रो, दो रो को तो हमने टाइप कर लिया। नाउ अब हमें सीखना है हाउ टू टाइप इन दिस थर्ड रो एंड हाउ टू यूज क्वामा, फुल स्टॉप एंड ऑल दोज थिंग्स। आफ्टर लर्निंग टू टाइप द मिडल एंड द अपर कीज, नाउ इट इज टाइम फॉर द कीज ऑफ द थर्ड रो। इन दिस पार्ट वी एड टू न्यू कीज सी एंड कॉमा, सी एंड कॉमा। सो लेट अस सी इन अवर वर्चुअल बॉक्स वेयर इट इज। ठीक है, देखो वेयर इट इज। सी, नाउ वी आर गोइंग टू इंक्लूड सी एंड कॉमन। ओके, सी एंड कॉमन, दैट इज वी आर गोइंग टू रीड, वी आर गोइंग टू रीड हाउ टू टाइप इन थर्ड रो। ओके, नेक्स्ट इज प्रेस सी विद द मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट हैंड फ्रॉम डी एंड प्रेस कॉमा विद द मिडल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम के। रिमेंबर टू प्लेस योर फिंगर्स बैक ऑन द होम कीज आफ्टर एवरी की स्ट्रोक। रिमेंबर टू प्लेस योर फिंगर बैक ऑन द होम कीज आफ्टर एवरी की स्ट्रोक। सारे की स्ट्रोक के बाद से वॉट यू विल डू, सारे फिंगर हमें वापस कहाँ रख देने हैं, वापस से अपने होम की पे, हमारा जो होम की दैट इज सेंट्रल की था उस पे हमें सारे अपने सारी फिंगर्स वापस से रख देनी है। ओनली फॉर टाइपिंग वी विल रेज अवर फिंगर एंड देन आफ्टर टाइपिंग वी विल पुट देम बैक एट द होम की। ओके, नाउ पार्ट 9। इन दिस पार्ट वी ऐड टू न्यू की वी एंड एम। To type them correctly, slide your index finger to the lower row and from F and J respectively, है ना। अब हम क्या करेंगे, F and J पे हम दोबारा से अपनी फिंगर रखेंगे। इन दिस पार्ट वी विल एड टू न्यू की। अब हम क्या करें, V एंड M पे, तो V एंड M और F एंड J से हमारी फिंगर स्लाइड डाउन हो जाएंगी। F पे जो फिंगर रहेगी वो हमारी चली जाएगी V पे एंड J पे जो हमारी फिंगर रह जाएगी वो हो जाएगी M पे। So kids, this is it for today. Now in our next class we will read more about the typing. Now, so I hope you all will practice the typing on typingtest.com and please don't forget to inform me about the same.